Assalamu alaikum and hi everyone, this is Ali from AWP Exotica, back with another banging video for you guys. बहुत दिन हो गए वीडियो नहीं बनाई, बट टुडे मैंने सोचा मैं एक टॉपिक लेके आऊँ जो कि बहुत सारे कॉन्टेंट क्रिएटर्स अक्रॉस द नदर्न हेमस्फेयर नॉर्थ अमेरिका को जो है अफेक्ट कर रहा है, एंड दैट इज़ द न्यू TGI बैन जो कि इन प्लेस होने वाला है यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर. हाउ दिस बैन इज़ गोइंग टू अफेक्ट कॉन्टेंट क्रिएटर्स इनसाइड द यूनाइटेड स्टेट्स, और इसका प्रॉबेबल इम्पैक्ट क्या हो सकता है जब TGI बैन होगी USA के अंदर टूवर्ड्स यूरोप एंड साउथ ईस्ट एशिया एंड एशिया परहैप्स. Coming up in this video, if you guys are not subscribed to the channel, do leave a like, do subscribe and turn on the bell notification icon so that you don't miss out on any of the good stuff coming up straight. Well, जिस बिल की मैं बात कर रहा हूँ जिसमें प्रोसेस ऑफ बैनिंग DJI इनसाइड द यूनाइटेड स्टेट्स चल रहा है, दैट इज़ नोन एज काउंटरिंग CCP ड्रोन्स. ये बेसिकली चाइना स्पेसिफिक ड्रोन बैन बिल है जिसमें ना सिर्फ DJI बल्कि बहुत सारी और चाइनीज कंपनीज को बैन करने की कंसिडरेशन दी जा रही है, एंड दिस कंसिडरेशन इज बींग टेकन अप बाई द US सेनेट. और सेनेट से अगर ये बिल पास हो जाता है तो दिस बिल इज गोइंग टू गो ऑन द प्रेजिडेंट्स डेस्क हिमसेल्फ फॉर फाइनल सिग्नेचर, जिसमें ये इम्पोज दिया जाएगा. इस बिल से होगा क्या कि जो एग्जिस्टिंग ड्रोन फ्लीट नॉर्थ अमेरिका में कंटेंट क्रिएटर्स के पास है जो उन्होंने ऑलरेडी परचेज किया हुआ है, तो FCC की जो अथॉरिटी है जब वो यू नो रिवोकेट कर देंगे, उसको ख़त्म कर देंगे, तो यू वॉन्ट बी एबल टू फ्लाई दोज ड्रोन्स इनसाइड द यूनाइटेड स्टेट्स. यूज्ड वाले फॉर रिक्रिएशन पर्पस परहैप्स, जो पुराने आपके पास ड्रोन्स हैं वो नॉर्थ अमेरिकन यूजर्स जो हैं फ्लाई कर पाएंगे, बट नए ड्रोन्स की परचेज पर टोटल बैन लग जाएगा और दैट इज़ गोइंग टू अफेक्ट अ लॉट of areas inside the United States. DJI के drones India, Pakistan में जिस तरह से इस्तेमाल होते हैं उस तरह से USA में नहीं use होते. There are various other factors जिसमें drones को इस्तेमाल किया जाता है, जैसे for first responders किसी scene पे there is you know a 911 emergency, उसमें ये use किया जाता है. DJI drones agriculture में बहुत ज़्यादा United States में use किए जा रहे हैं, crop dusting के लिए, different areas को identify करने के लिए, geo टैगिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं DJI ड्रोन्स, लॉट ऑफ अदर सिविल एंड कमर्शियल एस्पेक्ट्स जिनमें DJI के प्रोडक्ट्स, DJI के ड्रोन्स यूनाइटेड स्टेट्स में इस्तेमाल किए जाते हैं. दिस बैन इज पोटेंशियली गोइंग टू हैव एन इम्पैक्ट ऑन अ लॉट ऑफ ब्रेड अर्नर्स ऑफ द फैमिलीज इनसाइड द यूनाइटेड स्टेट्स. जो लोग इससे जरिया मौश बना के इसको इन ड्रोन्स को इस्तेमाल करते हैं वो पर्टिकुलरली बहुत गंदा हिट इसका फील करेंगे. तो USA के अंदर बेसिकली ये ड्रोन जो है वो बैन की तरफ जा रहा है, विच इज़ गोइंग टू अफेक्ट लॉट ऑफ फैमिलीज और बहुत सारे पोटेंशियल बिजनेसिस, या इवन न्यू बिजनेसिस जो कि जो है वो इस फील्ड में आ रहे थे, दे आर गोइंग टू टेक एन इम्पैक्ट. अब मैं आपको बताता हूँ रीज़न क्या है DJI के ड्रोन बैन को इंट्रोड्यूस करने का. बेसिक रीज़न क्या है, गेम ये हो रही है कि रोबोटिक इंडस्ट्री में, ड्रोन इंडस्ट्री में या टेक्नोलॉजी में आहिस्ता आहिस्ता जो है वो एशिया की कंपनीज, पर्टिकुलरली चाइना की, वो टेक ऑफ कर गई हैं या उन्होंने US कंपनीज को बहुत पीछे छोड़ दिया है. तो इस प्रीटेक्स्ट को बना के कि जी DJI के ब्रांड के ड्रोन्स जो हैं वो नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट हैं हमारे लिए और वो सर्विलेंस करते हैं और वो डाटा CCP को पास करते हैं, तो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों मुझे ये बताओ कि गूगल कौन सा सेफ है, और जो आईफोन बहुत सारे आप यूज़र्स यूज़ करते हैं, डू यू रियली थिंक एज ए ह्यूमन बींग कि वो डाटा US गवर्नमेंट को या नेशनल सिक्योरिटी उनकी जो एजेंसी है या NSA है या whatever, और बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स वहाँ पे हैं जो कि इंटेलिजेंस गैदरिंग का काम करते हैं, वो डाटा आपका शेयर नहीं हो रहा क्या? माइक्रोसॉफ्ट उनके साथ डाटा शेयर नहीं करता? ये सारी बकवास है जस्ट टू यू नो सपोर्ट देयर इंटरनल जो है ड्रोन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज, जैसे कि SkyDio है. अब वो माड़े का तगड़ा ड्रोन DJI के साथ बना नहीं पा रही, इस वजह से उन कंपनीज को एक एक्स्ट्रा एडवांटेज देने के लिए एक अच्छी कंपनी जो कि एक इनोवेटिव प्रोडक्ट मार्केट के अंदर ला रही है उसको बैन करने का सोच रहे हैं. तो दिस हैज़ बीन US थॉट फॉर क्वाइट सम टाइम, और इससे पहले Huawei का बैन आपको देखने में आता था कि Huawei एज अ टेक कंपनी इट वॉज आहिस्ता आहिस्ता क्रॉस कर रही थी, इट इवन क्रॉस सैमसंग इन टेक्नोलॉजी और आईफोन को बहुत ज़्यादा चैलेंज कर रही थी, तो उस पर भी ये इल्ज़ाम लगा के कि वो नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट बन गई है USA के लिए, तो उसको जो है वो उन्होंने
बैन कर दिया या उसके कंपोनेंट रिस्ट्रिक्शंस उसके ऊपर लगा दी. हाउएवर हुआवे इज़ कमिंग बैक विद अ जंप और दे आर कमिंग बैक इन द मार्केट विद 5G 6G टेक्नोलॉजीज. तो वो कंपनी उस तरह से हिट नहीं हुई, बट यू नो यूएसए की ये पुरानी आदत है टू लेबल कंपनीज एज सच के जी ये अभी नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट हमारे लिए बन गई है तो इनको बैन कर दो आउटराइट. ओ भाई ये तो देखो कि कितने लोगों पे इम्पैक्ट जो है वो आएगा. डीजीआई इटसेल्फ यूनाइटेड स्टेट्स को अगर मैं पिक्चर के अंदर रखूं भी तो ग्लोबली आई थिंक 70-75% ऑफ द ड्रोन मार्केट, कमर्शियल ड्रोन मार्केट, उसका शेयर रखती है. मेरे पास खुद DJI Mini 4 Pro है, मैंने Mini 3 Pro भी यूज़ किया है, Mini 2 भी यूज़ किया है, Mini भी यूज़ किया है. दे क्रिएट एक्सेप्शनली यू नो ईजी टू यूज़ और क्वालिटी ड्रोन्स विच आए अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि USA की कोई भी ऐसी कंपनी इवन SkyDios के तगड़े का ड्रोन जो है वो नहीं बना पाती. तो इस ड्रोन बैनिंग कंपनी बैनिंग वॉर के अंदर एक ग्लोबल इम्पैक्ट ज़रूर आएगा. मैं ये चीज़ फोर्सी कर रहा हूँ कि ये आहिस्ता आहिस्ता सिंस यूनाइटेड स्टेट्स के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं यूरोप के साथ, यूरोपियन कंट्रीज़ के साथ, तो ये आहिस्ता आहिस्ता उनको फोर्स करेंगे यूरोपियन कंट्रीज़ को कि जी सिंस हमने नेशनल सिक्योरिटी बैन की है तो नेटो को यू नो इस थ्रेट से बचाने के लिए तो आप भी बैन लगाएं. मे बी दिस बैन रीचेज़ कैनेडा वन डे, मे बी साउथ अमेरिकन कंट्रीज़ पे भी जो है वो प्रेशर डाला जाए. तो अब ये DJI के ऊपर है कि वो कैसे इनोवेटिवली जो है डिफरेंट हेमस्फेयर्स, डिफरेंट कॉन्टिनेंट्स को टारगेट करती है और अपना जो है ना प्रोडक्ट सेल करने में कामयाब होती है. बैन की सूरत में द प्राइसेस ऑफ द ड्रोन्स आर मोस्ट लाइकली गोइंग टू गो अप. मुझे लगता है सिंस US में बैन होगा तो बहुत सारा ड्रोन इम्पोर्ट करते हैं लोग यूनाइटेड स्टेट से, UAE से, तो सप्लाई चेन में देर आर गोइंग टू बी डिस्ट्रप्शंस इन साइड कंट्रीज, तो रेट इसका ऊपर जाने का थोड़ा सा खदशा है जो मुझे नज़र आता है. और लेट्स होप फॉर द बेस्ट और लेट्स होप सम कॉमन सेंस प्रिवेल्स अमंग द यूनाइटेड स्टेट्स कि दिस इज़ नॉट द वे. इंस्टेड ऑफ बैनिंग अ कंपनी आउट राइट, वॉट यू ऑट टू डू इज़ कि आप इनेबल करें अपने नेशनल कंपनीज़ को, अपने मुल्क की कंपनीज़ को कि वो बेहतर कंपेटिटिव प्रोडक्ट जो है वो बनाएं. दिस वॉज बेसिकली द सोल यू नो द सोल ऑफ लिबरलिज्म कि कंपनीज को इतना कंपेटिटिव बनाएं कि वो बाहर की कंपनी या चाइना की कंपनी या इस टाइप की कंपनी उस टाइप की कंपनी जो भी अच्छा कर रही है उसके साथ वो कंपीट कर पाए, इंस्टेड ऑफ उस पर बैन लगा देना और अपनी कंपनी को उठाने की कोशिश करनी. एंड आई थिंक इट्स गोइंग टू टेक गुड अबाउट 10 साल तो लगेंगे SkyDio को कि वो इस वक्त जो ड्रोन फ्लीट है DJI का उस टाइप की चीज़ें बना के मार्केट में जो है वो ला सकें. सो 10 years डाउन द लाइन मुझे कॉन्टेंट क्रिएटर्स के लिए बहुत सारी मुश्किलात नज़र आती हैं नॉर्थ अमेरिका के अंदर, USA के अंदर पर्टिकुलरली. दे आर गोइंग टू लूज जॉब्स, दे आर गोइंग टू लूज ज़रा मॉश ब्रेड अर्नर्स बहुत ज़्यादा इफेक्ट होंगे, इनका एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा इफेक्ट होगा, इनके फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स बहुत ज़्यादा इफेक्ट होंगे, बहुत सी चीज़ें मल्टीपल यू नो फैसेट्स के ऊपर USA इज़ गोइंग टू फेस द ब्रंट. और मज़े की बात है कि द US इटसेल्फ माइट बी ब्रेसिंग फॉर सर्टेन बैन्स बाय द चाइनीज ऑन देयर कंपनीज. हो सकता है वो इस तरह के कोई मूव करें, तो दिस इज़ अ ग्लोबल चेन रिएक्शन जिसकी ज़रूरत नहीं थी आई गेस जिस तरह की इन्होंने हरकत की है. तो ये छोटा सा पीस ऑफ इन्फॉर्मेशन था. सेनेट में इस वक्त बिल पड़ा हुआ है, इट विल बी टेबल्ड इन फ्रंट ऑफ द प्रेजिडेंट और अगर वो साइन कर देता है तो DJI इज गोइंग टू बी बैन इन साइड द यूनाइटेड स्टेट्स. इसकी जो बाकी डिटेल्स हैं वो बहुत सारी और वीडियोस आपको YouTube के ऊपर अवेलेबल मिल जाएंगी. इस बैन के अंदर उन्होंने 4-5 years का एक पीरियड रखा है जिसमें टैक्सेशन बढ़ेगी और फिर आउटराइट बैन होगा और फिर वो पैसा जो है वो इस्तेमाल करेंगे फर्स्ट रिस्पॉन्डर्स को देने के लिए. और मतलब एक खिचड़ी सी उन्होंने बनाई है जिसको पढ़ेंगे आप तो आपको समझ आ जाएगी कि क्या हिसाब किताब है. लेकिन मज़ा नहीं आया बिल्कुल भी, बिकॉज एक ग्लोबल लीडिंग कंपनी को आप इस तरह का हिट दे रहे हैं, आप उसको बैन कर रहे हैं, वन ऑफ द मोस्ट यू नो रिच कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड जो कि ड्रोन कंज्यूम करता है या परचेज करता है. तो ग्लोबल लेवल पे शोधी सी बात मुझे ऐसा फील हुआ है जैसे यूनाइटेड स्टेट्स ने की है. तो दिस वॉज अ शॉर्ट अपडेट वीडियो, लुकिंग फॉरवर्ड होपिंग फॉर द बेस्ट कि DJI पे बैन ये ना लगे एंड सम सेंस प्रिवेल्स इनसाइड द नेशनल सिक्योरिटी सर्कल्स ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स और कुछ बेहतरी इसमें से निकले. बहरहाल आई बी कमिंग अप विद लॉट ऑफ अदर टेक न्यूज़ फॉर यू गाइस. ये तो छोटा सा यू नो कमबैक टाइप से था, कुछ व्लॉगिंग है, कुछ इंपॉर्टेंट घर में चीज़ें ऐसी चल रही हैं जिस वजह से मैं आ नहीं पा रहा रेगुलरली, बट विद इन अपकमिंग डेज और वीक्स आई विल बी कमिंग रेगुलरली और शेयर करूँगा. शेयर लाइक एंड सब्सक्राइब, डोंट फॉरगेट टू वॉच द कॉन्टेंट जो कि इस चैनल के ऊपर है, आपको ऑलरेडी मिल रहा है. होप यू गाइज आर इन्जॉइंग. कॉमेंट्स में ज़रूर मैंशन करेंगे DJI का
बैन आपको कैसे अफेक्ट करता है इफ यू आर फ्रॉम नॉर्थ अमेरिका और अक्रॉस द ग्लोब, और आप इसको किस तरह से देख रहे हैं। दैट्स प्रीटी मच इट फॉर टुडे। दिस इज अली फ्रॉम AWP Exotica साइनिंग ऑफ फॉर नाउ। सी यू इन अदर वीडियो रियली रियली सून। टेक केयर। बाय बाय।